एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि क्या होगा, सिंगल पेरेंट सेल्स, क्या सिंगल पेरेंट सेल्स, सिंगल पेरेंट सेल यानी कि एकल मातृ कोशिका, जब क्या होगा प्रजनन की प्रक्रिया में जो है ना एक ही मेंबर शामिल होंगे, एक ही मातृ कोशिका होगी, तो इस प्रकार के प्रजनन को हम लोग क्या कहेंगे, अलैंगिक प्रजनन कहेंगे। और वह जो है किन किन विधियों के द्वारा क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, तो नंबर एक लिखाए थे फ्यूजन मेथड, क्या फ्यूजन मेथड, फ्यूजन मेथड। दूसरा था बडिंग मेथड, बडिंग मेथड्स, और आगे जो है वो है स्पोरुलेशन मेथड, क्या है स्पोरुलेशन मेथड, इसको बोलते हैं विभाजन, विभाजन विधि, मुकुलन विधि और बीजाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण विधि, ठीक है, बीजाणु निर्माण विधि है। एसेक्सुअल टाइप में जिनमें क्या करना है, कोई भी एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं, एसेक्सुअली क्या करते हैं, अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं। तो पहला है फ्यूजन मेथड, दूसरा है बडिंग मेथड्स और स्पोरुलेशन मेथड। तो थ्री मेथड्स है क्या चीज, एसेक्सुअल के, जिसमें कि फ्यूजन, फ्यूजन में बताए थे कि क्या होता है जब जीवधारी क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, उसमें मैच्योरिटी आती है, जीव शरीर क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक टुकड़ों में बटकर ना क्या होते हैं, अपने जैसे संतान उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज, टू और मोर, क्या टू और मोर यानी कि दो और दो से अधिक जो है क्या करते हैं, संतानों उत्पत्ति या ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं। तो यहां पर है कि अगर दो होंगे या दो से अधिक होंगे, जब दो होगा तो इस कंडीशंस में हम लोग बोलेंगे बाइनरी बोलेंगे, अगर टू और मोर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपुल कहेंगे, क्या कहेंगे, मल्टीपुल कहेंगे, इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विविभाजन, क्या बोलते हैं द्विविभाजन, और इसको बोलते हैं बहुविभाजन, बहुविभाजन। इसके पहले जीवों में क्या होता है, दो प्रकार की प्रक्रियाएं, सबसे पहले मैच्योरिटी, मैच्योरिटी आती है, उसके बाद केंद्रक का बंटवारा होता है, न्यूक्लियस जो है वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और बाद में जाकर के क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म, क्या साइटोप्लाज्म, क्या चीज, तो डिवीजन, क्या चीज, डिवीजन, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर मैच्योरिटी आती है, उसके बाद डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, देन डिवीजन ऑफ क्या चीज, साइटोप्लाज्म। सीधा सीधा जब जीव शरीर परिपक्व हो जाएंगे तो उसमें क्या होता है, विभाजन प्रक्रिया द्वारा, दूसरा मुकुलन प्रक्रिया द्वारा, और बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया द्वारा जो है अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद जब फ्यूजन की बातें आती है, पार्टिकुलरली की मेथड जो है आपके फ्यूजन्स मेथड, विभाजन विधि में क्या होता है, यह भी एक क्या है, अलैंगिक प्रजनन की ही विधि है ना। ए मेथड से क्या चीज, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके जिसमें क्या होता है कि जब जीव शरीर परिपक्व हो जाते हैं, सबों में वही है कि बिना मैच्योरिटी के जो है एक नए जीवों का विकास संभव नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज, मैच्योरेशन होना, मैच्योरिटी आएगी, जीव शरीर परिपक्व होंगे, और उस शर्त यह है कि बाइनरी फ्यूजन्स में या मल्टीपल फ्यूजन्स में क्या होता है, सबसे पहले केंद्र का बंटवारा, उसके बाद कोशिका द्रव का बंटवारा। तो जिसको हम लोग केंद्र के बंटवारे को हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और कोशिका द्रव के बंटवारे को हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो आपको ये याद रखने, उसके बाद बात रही बटने की, कितने हिस्से में बटेंगे, दो या दो से अधिक हिस्से, अगर दो में बटेगा तो उसको हम लोग द्विविभाजन, बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे, और अगर क्या होंगे बहुत सारे हिस्से में बटेंगे, उसको हम लोग मल्टीपल फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। जब बात आती है बाइनरी की, हम आपको लिखा चुके हैं कल एक और दो करके, ठीक है, ए बी करके, तो जब होगा बाइनरी फ्यूजन तो इसमें क्या होगी, जीव शरीर परिपक्व होंगे और दो हिस्सों में बटेगा, उससे पहले न्यूक्लियस का बंटवारा, साइटोप्लाज्म का बंटवारा। एग्जांपल्स में हम लोग बताए, हम लोग लिखे थे अमीबा, अमीबा, और दूसरा है पारामीशियम, पारामीशियम युगलीना बैक्टीरिया, ये सब के सब क्या है, बाइनरी फ्यूजन करने वाले जीव हैं, द्विविभाजन द्वारा क्या करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन बहुविभाजन की बातें आती है तो यहां पर जो है एक से दो नहीं बल्कि अनेक जीव का विकास होता है,
टू और मोर होते हैं। तो इस कंडीशंस में मल्टीपूल बोलते हैं, बहुविभाजन, जैसे अमीबा, प्रतिकूल परिस्थिति, परिस्थिति जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशंस यानी कि प्रतिकूल परिस्थिति होगी, इसको हम लोग एडवर्स कंडीशंस भी बोलते हैं। एडवर्स कंडीशन, जब पानी में क्या एक बार रहेगा ना तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, अनुकूल परिस्थिति बोलेंगे। अनुकूल जब वो पानी में है इसको क्या बोले, फेवरेबल, अनुकूल परिस्थिति बोले। तो अनुकूल परिस्थिति में अमीबा द्विविभाजन विधि द्वारा जो क्या करते हैं, अपने आप को एक से अधिक हिस्से में बांटते हैं। लेकिन जब क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल परिस्थिति कब, जब क्या होगा, सूखा का सीजन आएगा, जब क्या होगा, बहुत दिन से बरसा नहीं होगा, नदी क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, नदी तालाब सूख जाएंगे, तो इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, अमीबा जो है क्या करेगा, प्रतिकूल परिस्थिति होगा इसके लिए। तो यह क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक कोट बना लेते हैं, कवरिंग बना लेते हैं, उसी कोट को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट वाल कहते हैं। सिस्ट वाल इसीलिए क्योंकि वह एडवर्स कंडीशन से लड़ सके, उसका जितना भी सारा क्या है, न्यूक्लियर कंटेंट्स है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, वो सुरक्षित रह सके, ठीक है। तो नंबर एक बाइनरी फ्यूजन क्या है, बाइनरी फ्यूजन, इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, जीव शरीर जो है ना दो ही हिस्से में विभक्त होता है। विभक्त होने के लिए मैच्योरिटी का होना, केंद्रक का बटना और साइटोप्लाज्म का होना बेहद जरूरी है, ठीक है। इतना के बाद जो है, जो आपका क्या है, द्विविभाजन, द्विविभाजन बाइनरी फ्यूजन, नंबर एक मैच्योरिटी परिपक्व, जीवों का परिपक्व होना, केंद्रक का बंटवारा होना, न्यूक्लियर डिवीजन और उसके बाद साइटोप्लाज्म, उसके बाद जो है शरीर क्या कर जाते हैं, दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, ए मैच्योर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, डॉटर बना, हाँ, जिसको हम लोग संतति बोलते हैं। तो यहाँ पर संतति कोशिका जब क्या होंगे, जीव परिपक्व हो जाएंगे, केंद्रक का बंटवारा हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का बंटवारा हो जाएगा और उसके बाद एक परिपक्व जीव दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे। कब, जब क्या होगी, ये तीनों, ये जो आप देख रहे हैं मैच्योरिटी, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म बटेंगे, तब जो है यही जीवधारी दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे। जैसे अमीबा में अमीबा का आकार नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्लूरोमॉर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरो, प्लूरो मतलब होता है मेनी, मॉर्फ शेप साइज, बहुत आकार आकृति के हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, फुटपाथ, इसी वजह से क्या करते हैं, और यह मददगार होता है किसमें, लोकोमोशन में भी, इंजेशन में भी, भोजन को क्या करता है, अपने चारों तरफ इस तरह से लेता है ना, ये जानते हैं ना, भोजन को अंतर्ग्रहण करता है उसी कूटपात की मदद से, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं इसी सीडोपोडिया की मदद से, इसीलिए जो है हम लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि ये अपना जो है ना शेप साइज बदल सकता है, इसलिए हम लोग इसको प्लूरोमॉर्फ भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरोमॉर्फ। अमीबा जैसे ही क्या होंगे, परिपक्व होंगे, क्या होगा, केंद्रक का बंटवारा होगा, केंद्रक जो है बट जाएंगे, डिविजन ऑफ न्यूक्लियस, इसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन लिखते हैं किताब, संकुचन, और क्या बोल रहे हैं, कोई एक क्रमश कुंचन, पेरिस्टाल्सिस, हाँ, मोमेंट्स ऑफ फूड इन ओइसोफेगस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास नली, यहाँ जो क्या होता है, भोजन का जो मोमेंट्स होता है ना, उसी मोमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अमीबा जो है दो हिस्सों में बट, ये कहलाया संतति, क्या कहलाया, संतति अमीबा, ये क्या कहलाएगा, परिपक्व अमीबा, परिपक्व अमीबा, परिपक्व अमीबा, और इसके बाद जो है ये बढ़ता हुआ केंद्रक या बढ़ता हुआ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियस, लिखता भी है बढ़ता हुआ केंद्रक, बढ़ता हुआ केंद्रक, संकुचन, संकुचन कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, देन ए मैच्योर अमीबा, यहाँ अमीबा डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, यानी कि दो नए छोटे अमीबा में बदल जाएंगे, कहने का मतलब ये, और इसलिए जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अमर जंतु के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जैसे ही परिपक्व होंगे मैच्योरिटी आएगी,
दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, और यही दो हिस्सा बढ़ करके जो है दो नए छोटे अमीबा का निर्माण करेगा। तो यह जो जैसे परिपक्व अमीबा जो है उनका साइज जो होगा, जो संतति अमीबा होगा उसका हाफ होगा। दो हिस्से में कन्वर्ट कर जाते हैं, दो हिस्से में बदल जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, अमीबा में द्विविभाजन की प्रक्रिया होती है, और इसी वे के दौरान, इसी मैनर जो है बदलने का एक से दो, यही इसी वजह से जो है अमीबा को हम लोग क्या कहते हैं, इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, अमरणशील प्राणी कहते हैं, या अमरत्व या अमर जंतु कहा जाता है, इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि जब एक परिपक्व अमीबा क्या होते हैं, केंद्रक का बंटवारा होता है उसमें, उसके बाद साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता है, बाकी जो है एक अमीबा जो है एक स्वस्थ परिपक्व अमीबा दो नए छोटे अमीबा में बदल जाते हैं। तो ये जो है ना वे चलते रहता है, फिर यह जो है पुनः क्या करेंगे, इसमें भी मैच्योरिटी आएगी, पुनः वो दो हिस्से में बटेंगे। तो प्रोसेस है, ये चलते रहता है चलते, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। बाकी यहाँ पर आकार नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर डिवीजन ऑफ एंगल नहीं होगा, एंगल नहीं होगा, कोण नहीं होगा कि किस कोण से या क्या करता है, बटता है। बाकी जो आपके पैरामीशियम्स है, पैरामीशियम पैरामीशियम इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लीपर एनिमलक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लीपर एनिमलक्यूल, चप्पल की आकृति का क्या है, एक जीव, नहीं चप्पल की आकृति का एक जीव, जिसको हम लोग क्या बोले, पैरामीशियम्स बोले। इसमें क्या होता है, द्विविभाजन तो होता है, लेकिन यह जो है ना ट्रांसवर्सली डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्सली। हम लोग वहाँ पढ़े कि किसी भी जीवधारी में जो है किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा, प्रजनन होगा, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, क्या करता है, नंबर एक जान लीजिए, नंबर एक कि वह जो है उनका वास स्थान कैसा है, क्या है, आवास, आवास। दूसरा आंतरिक संरचना, क्या चीज, आंतरिक संरचना। तीसरा है इन्वायरमेंटल कंडीशन, क्या है, पर्यावरणीय अवस्था, कंडीशन। तो यह जो है ना तीन फैक्टर्स है, पर्यावरणीय, पर्यावरणीय अवस्था या कंडीशन, ये तीन है कारक जो कि किसी भी जीवों में क्या होगा, किस तरह का प्रजनन होगा, यह जो है ये तीन बात पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर क्या है, पैरामीशियम, क्या, पैरामीशियम, इसमें क्या होगा, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट होकर के जो है ना क्या बनता है, एक परिपक्व पैरामीशियम से दो नए छोटे पैरामीशियम से बनते हैं, दो नए छोटे पैरामीशियम्स बनते हैं। तो यहां पर क्या होगा, दो जो है छोटे छोटे जो है पैरामीशियम्स का निर्माण करेंगे, किन से, एक पैरामीशियम। तो आपको खाली यहां पर याद रखने क्या चीज, टी एस के द्वारा अनुप्रस्थ काट हम लोग लिखेंगे कि पैरामीशियम जो है परिपक्व होकर के एक स्वस्थ पैरामीशियम जो है कैसे अनुप्रस्थ का ट्रांसवर्सली जो है डिवाइड करेंगे और वो बनाएंगे दो नए छोटे पैरामीशियम का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ डिवीजन नहीं, उसको यहाँ पर डिवीजन है ट्रांसवर्सली, लेकिन हम लोग जब क्या करेंगे, युगलीना की बात करेंगे, युगलीना, युगलीना की बात जब करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनली ये डिवाइड करते हैं, कैसे करते हैं, लॉन्गिट्यूडनली। इसको बोलते हैं LS, लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य काट करता है, जिससे क्या बनाते हैं, दो नए युगलीना बनाते हैं इस तरह से। तो बन गया छोटा छोटा दो युगलीना। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर एसेक्सुअल मेथड्स द्वारा बाइनरी होता है, बाइनरी आपको लिखना है, द्विविभाजन की प्रक्रिया होती है। बाकी बात रही बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया में आपको कुछ याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, पूछा भी जाता है बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एक सूक्ष्म जीव है जिसको हम लोग नेकेड आई से या अनएडेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, नहीं देख सकते, देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। इसके पास जो है ना एक अपना इनका जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ है, और उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड, ये चीज़ याद रखिएगा, प्लाज्मिड। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बैक्टीरिया में जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, तो प्लाज्मिड होते हैं। क्या होते हैं, प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि प्लाज्मिड कहाँ होता है, बैक्टीरिया में, याद रहेगा
कि प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया में होते हैं, जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल होता है किस चीज़ का, बैक्टीरिया का, और ये अपना प्रतिरूपण स्वयं तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं या लिखेंगे भी कि प्लाज्मिड्स इज प्रजेंट इन केस ऑफ बैक्टीरिया विच इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल्स विच इज सेल्फ रिप्लिकेटेड, यानी कि प्लाज्मिड जो है ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल यानी कि अनुवांशिक पदार्थ के अलावे जो है ये क्या है, संरचना लिए हुए, धागे में संरचना लिए हुए हैं जो अपना प्रतिरूपण स्वयं तैयार कर सकता है। उसी मटेरियल को, उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। लेकिन जब मल्टीपुल की बात आएगी, मल्टीपुल जब भी होगा या तो एडवर्स में होगा, देखिए यहाँ लिखे हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में होगा। प्रतिकूल, प्रतिकूल हो गया क्या, प्रतिकूल माना सूखा स्थान, एडवर्स, जब इसको जो है जैसे कि यहाँ है आराम से जो है सब प्रोसेस कर सकता है, आराम से वो तैर सकते हैं, किसी चीज़ों को वो क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, किसी चीज़ को इंजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो सूखा हो जाएगा। अब सूखा रहेगा तो जिंदा रहना, जिंदा रहने के लिए ये क्या करते हैं, अपने चारों तरफ जो है कोट बना लेते हैं इस तरह से, प्रोटेक्टिव कोट। इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं सिस्ट, सिस्ट वाल कहते हैं। यही कब तक, जब तक कि जो है बरसा ना हो जाए, बाढ़ ना हो जाए, तब तक ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ब्रेक नहीं करने वाला। जब पानी आएगा यानी कि फेवरेबल कंडीशंस आएगा, फेवरेबल कंडीशन इसी को हम लोग बोलेंगे रिटर्न। जब क्या होगा, अनुकूल परिस्थिति आएगा तो ये वाल रप्चर कर जाएंगे, रप्चर यानी टूट जाएंगे, और इससे जो है बहुत सारे अमीबा जो है बाहर निकलेंगे स्पोर्ट्स के रूप में इस तरह से, तो लिबरेट करेंगे। लिबरेशन से मतलब होता है रप्चर, मतलब होता है टूटना, लिबरेशन मतलब होता है बाहर निकलना, ब्रस्टिंग मतलब होता है फटना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रप्चर, टूटेंगे बाहरी दीवार कब, रिटर्न्स ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तब ये दीवार जो है ना सिस्ट वाला, तब जब वेट करेगा, क्या किस चीज़ का वेट करेगा कि रिटर्न आए, क्या चीज़, फेवरेबल कंडीशन। तो उसमें क्या करेगा, जैसे ही क्या होगा, बरसात होगा, पानी आएगा, बाढ़ आएगा, तो यह दीवार टूट जाएगा और इससे जो है बहुत सारे अमीबा जो है वो बाहर निकलेंगे। तो इस कंडीशन में क्या है, अमीबा जो है प्रतिकूल परिस्थिति में बहुविभाजन की प्रक्रिया करते हैं, बहुविभाजन, ये सारे के सारे जो है क्या बनाएंगे, एक फिर एक नए अमीबा बनाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, मल्टीपुल होता है, बहुविभाजन की प्रक्रिया होती है। और एक एग्जांपल से और बताए थे, प्लाज्मोडियम, क्या प्लाज्मोडियम अमीबा जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में बहुविभाजन करते हैं, अनुकूल परिस्थिति में द्वि विभाजन करते हैं, और प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पारासाइट्स है। तो उसमें जो है क्या होता है, मल्टीपुल फिजन ही होता है, मल्टीपुल यानी बहुविभाजन की ही प्रक्रिया होती है। इतना बात समझे?